So hey guys, this is Ashwin Viswadi. यार methods of differentiation के ऊपर ये basically third video है, तो तुम लोगों ने अगर पहली दो वीडियो जाके नहीं देखी तो जरूर जाके देखना, तुम लोग के लिए मददगार साबित होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम लोग के लिए आगे के लिए मदद हो। ठीक है, इस वीडियो से अपन थोड़े क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तुम लोग को मैं बेसिकली बताऊंगा कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उन सब के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा अपन जनरल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो रूट एक्स का, अपन ऐसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। रूट एक्स बेसिकली है क्या मेरे पास, एक्स की पावर 1/2, और मैंने यहाँ से एक्स की पावर एन का क्या डेरिवेटिव समझ रहा है, एन एक्स की पावर में एन माइनस वन। मतलब ये जो पावर है इसको सामने ले जाना है, इस पावर को मुझे यहाँ से सामने ले जाना है यहाँ से, और इसका यहाँ से एन को एक माइनस वन कर देना। क्या मैं इसको भी यहाँ से ये कर सकता हूँ, इस पावर को सामने ले जाता हूँ और इस पावर को एक से घटा देता हूँ, 1/2 की पावर में एक्स 1/2 माइनस वन, मतलब 1/2 एक्स की पावर में माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये क्या ये वाली बात समझ में आ गई, एक्स बाय थ्री, ये भी सेम हो जाएगा। इस पावर को सामने ले जाओ, 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस वन। अब यार ऐसे बताऊ, मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको तुम अपने मन में ही कर लिया करो, ताकि तुम लोग को लिखने की जरूरत ना पड़े। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 एक्सक्यूज मी, है ना। अब देखो, अब बात आ जाती है 1/4, इसको क्या करोगे, इसको तुम ये करोगे, क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, ऊपर कैसे, एक्स की पावर माइनस 4 से ऊपर ले गया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या बात आ जाएगी, इसको सॉल्व करने में बात आ जाएगी, माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4 है और माइनस 1, माइनस 1 तो करना ही है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 का मतलब माइनस 4 बाय एक्स की पावर 5। के वाली बात समझ में आई। अब इसको देखते हैं अपन, रूट एक्स की पावर 5 सिमिलर है, इसको थोड़े इज्जतदार तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 5/2, इसको ये क्या होता है, ये रूट क्या होता है, हाफ पावर, हाफ पावर ये कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। इसमें भी आया सर, इसको अपन लिख देते हैं, पहले इसको सामने ले जाते हैं, 5/2 एक्स की पावर में 5/2 माइनस 1 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/2 एक्स की पावर 3/2। क्या ये वाली समझ में आ गई यहां से बात। तो ये बेसिकली होता है अपन के ऐसे थोड़े जनरल क्वेश्चन जो अपन को होते हैं। अब अपन यहां से इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपन के हो गए थोड़े जनरल क्वेश्चंस की तुम लोग को ऐसे मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। साथ में मैं चाहूंगा कि तुम लोग लिखते रहो, अगर तुम लोग ने लिखे नहीं है तो बैक जाके पूरा ऐसे वापस से करो, ताकि तुम लोग के यहाँ से नोट्स ठीक ठाक बनते रहे, और मैं फोकस करूंगा कि तुम लोग के नोट्स अच्छे बनते रहे, ताकि तुम लोग को कहीं और भी भटकना ना पड़े। अब देखो, सबसे यहाँ से मेरे पास ऐसे दो प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब बताता हूं मैं, मान लो मेरे पास यहां से दो फंक्शन प्रोडक्ट में, का मतलब f(x)g(x), दो फंक्शन मेरे पास यहां से प्रोडक्ट में। अब मैं इसका कैसे प्रोडक्ट वो कैसे फाइंड करूं, डेरिवेटिव करना क्या होता है इसमें, तुम लोग को मैं ऐसे अपन को तुम्हें मन मन में पूरी लाइन बोलनी, करना क्या, पहले वाले को रखे इंटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को रखे इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव का मतलब मैंने क्या बोला, इसको लिखते हैं, पहले वाले को रखे दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले को रखे इंटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस दूसरे वाले को रखे इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव f'(x), इसका डेरिवेटिव ये होगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने बोला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, इसका तुम डेरिवेटिव निकालो, तुम क्या करोगे, तुम रखोगे साइन एक्स इंटू पहले वाले को फंक्शन को रखा इंटू दूसरे वाले का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने यहां से ये लिख दिया, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को रखो इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये मेरे पास कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाली बात तुम लोग को समझ में आ गई, बात समझ में आ गई यहां से, और आगे देखते हैं। सिमिलरली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब अपन यहां से एक और एग्जांपल समझते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू x, है ना, मतलब e की x e की पावर, मतलब यहां से मेरे पास तुम इसको समझ लो x e की पावर x, इसको कैसे करेंगे, पहले वाले को रखो, पहले वाले को रख के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है e की पावर x, मैंने रख दिया, प्लस दूसरे वाले को रख के e की पावर x पहले वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होगा, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो x की पावर 1 का डेरिवेटिव, 1 को आगे ले जाओ 1 *
x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 1x की पावर 0, मतलब x की पावर 0 कितना होता है 1, तो मतलब y is equal to x का, y is equal to x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो e की पावर x into x का डेरिवेटिव into 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया x e की पावर x plus e की पावर x। क्या तुम लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट रूल के ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुम लोग बना लोगे, बना लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं ऐसे क्वेश्चन देखने वाला हूं, ठीक है? ये वाली हो गई अपन की प्रोडक्ट रूल की बात। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन रूल। कोश देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में। क्वेश्चन रूल में क्या होगा, दो फंक्शंस ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। दूसरा देखते हैं सर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होगा, ऊपर भी एक फंक्शन होगा नीचे भी एक फंक्शन होगा। अब भैया इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना? अब देखो जो मैं बोल रहा हूं तुम लोग को उसको वैसे करना है, मतलब ये तुम लोग साथ साथ में अपने मन में बोलते जाओ। करना क्या होता है देखो, डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैंने क्या बोला वापस रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन into f dash of x minus numerator को रख के denominator का differentiation upon denominator का square g of x का whole square। जैसे मैं तुम लोग को इसको एक बताता हूं, जैसे tan x का, एक मिनट, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ही होगा। tan x का तुमने derivative क्या याद रखा था, sec square x। क्या मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं? कर सकता हूं। tan x क्या होता है, sin x by cos x, sin x by cos x होता है। अब क्या मैं इस प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, करता हूं। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को रख के इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को रख के इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस न्यूमरेटर को रख के sin x इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, cos x का कितना होता है माइनस sin x, मतलब माइनस sin x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब cos square x। अब देखो ये क्या बन गया, cos square x माइनस माइनस का मतलब प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, मतलब cos square x plus sin square x, ये अपन को 1 होता है, ये ऑफ कोर्स पता है, तो ऊपर आ गया 1, नीचे cos square x, और 1 upon cos square x कितना होता है sec square x। अब बातें रिलेट हो रही है, sec square x यहां से। ये वाली बात समझ में आ गई, क्वेश्चन रूल अपन का ऐसे काम करता है। अपन के मन में ही तुम लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम लोग को मन में बोलना ही है, कुछ भी हो जाए मन में बोलो, डिनोमिनेटर को रख के इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रख के इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अगर तुम लोग को नहीं आई हो तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक और एग्जांपल समझते हैं। अपन देखते हैं कॉटेक्स का डेरिवेटिव। कॉटेक्स का डेरिवेटिव तुम लोग ने पढ़ा क्या था, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स है ना, इसको प्रूफ भी कर लेते। कॉटेक्स होता क्या बेसिकली, कोसेक्स बाय साइन एक्स लिख देते, cos x upon sin x लिख देता। अब इसको डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को रख के इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ये तुम लोग यहां से अपने मन से देखो, तुम लोग अभी बोर्ड को मत देखो, ये मैं यहां पर खुद सॉल्व करता हूं, तुम लोग अपने कॉपी पे सॉल्व करो, ठीक है? इसलिए मैं यहां से ये मन में बोलूंगा, इसको कॉपी में तुम लोग करो, मैं अपने यहां पे बोर्ड पे करता हूं। आई होप तुम लोग का आंसर आ गया होगा। ये देख लो, डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जो माइनस माइनस है, माइनस को तुम कॉमन बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना बन गया 1, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, और यहां से ये क्या लिखा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स का मतलब, ये जो दो इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से कुछ भी हो जाए तुम लोग को हर जगह काम आएंगे, चाहे ये प्रोडक्ट रूल हो, चाहे चेन प्रोडक्ट रूल हो, क्वेश्चन रूल हो। क्या ये वाली बात तुम लोग को समझ में आ गई है, क्लियर हो गया? अब तुम लोगों ने एग्जांपल से भी समझा दिया,
चिंता मत करो क्वेश्चंस की, अभी क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, है ना, क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं ऐसे, तो उसकी तो कोई चिंता आने ही नहीं है, ठीक है। अब अपन यहाँ से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल अपन का होता है, जो कि होता है चेन रूल। चेन रूल को तुम लोग को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं अपन। चेन रूल थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स है, तो अपन चेन रूल को भी देख लेते हैं। थर्ड अपन का आ जाते हैं उसे चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, बेसिकली एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन एक बार में हो रहे होता है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन है। जैसे तुम इसको ऐसे समझो, x प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव तुम लोग को निकालना है, तो तुम लोग क्या करोगे सोचो, पहले अपने मन से सोचो। तुम लोग यहां से यार ये सोचोगे कि भैया इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो मेरे पास कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, एफ ऑफ एक्स की पावर में एन, तो मैं तो इसका डायरेक्ट लिख दूंगा कि यार एन इंटू एफ ऑफ एक्स इसकी पावर में एन माइनस वन, इतनी इसमें बड़ी बात क्या। लेकिन मैंने तुम लोग को एक ax का भी तो डेरिवेटिव बताया, ax का डेरिवेटिव कितना होगा, a होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा अपन कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट रूल में क्या बताया था, ऐसा पहले वाले को रख के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ax का, चलो सबसे पहले तो ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ ax कितना होगा, पहले वाले को रख के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रख के कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से ये हो गया 0, मतलब यहां से ये a, तो सीधी सी बात है, अब अपन को डायरेक्ट मन में करना है 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5, 10x का डेरिवेटिव कितना होगा 10, लेकिन बात यहां से आ जाती है 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 10 इनटू इसका डेरिवेटिव। जब भी यहां से तुम लोगों को कांस्टेंट समझ में आता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर को डेरिवेटिव कर दो, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बेसिकली क्या बात हो गई 20x। क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आ रही है ऐसा, है ना। अब अपन देखते हैं ऐसा चेन रूल। चेन रूल में पहली बात तो तुम लोगों को ये समझ में आ गई कि भैया मैं इसको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि भैया ए की पावर एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी नहीं कर सकता अप्रोच। अब देखो चेन रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब ये जो अपन के ये वाले ब्रैकेट लगे हुए ना यहाँ सर, ये अपन के सबसे काम आता है। मैं तुम लोग को इसको इसको सबसे अच्छे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये मतलब ये वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, एक्स प्लस बी की पावर एन। तुम लोग को क्या देखना है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट चल रहे हैं। जैसे अगर बहुत सारे ब्रैकेट है अपन के यहाँ सर, यहाँ से ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, इसकी पावर कुछ एन है, तो तुम लोग को क्या समझना है, पहले अंदर वाला फंक्शन की पावर एन, तुम इस पूरे अंदर वाले फंक्शन को कुछ ए मान लो, ए की पावर एक्स की पावर एन, तो तुम इसको डेरिवेटिव कर दो, है ना, तो इसका कितना होगा, एन को बाहर ले जाना तो ये कितना हो जाएगा एन, अब एन इंटू ए की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, और साथ में इसका डेरिवेटिव लगेगा, तो तुम लोग को बाहर से अंदर जाना है। बाहर से अंदर मतलब पहले तुम लोग के पास यहां से ये आया, इसको क्या करो, अभी तुम लोग इसको इस पूरे को फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लो, एफ ऑफ एक्स की पावर में एन, इसका डेरिवेटिव तब करोगे एन इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। नहीं, अभी अपन को अब इसके अंदर चलना, पहले मैंने बाहर वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करा, अब मैं अंदर वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा। अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए, तो ऐसे ही है ए, तो आंसर कितना है ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत नहीं, अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम इसको ऐसे समझो, साइन एक्स को भी थोड़ी देर के लिए मान लो एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 इंटू दिस, तो क्या मैं इसको यहां से पहले अपन को बाहर को डिफरेंशिएट करना है और फिर अंदर को, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इस 2 को बाहर ले जाओ, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई एक और एग्जांपल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार यहाँ से, मुझे तो मुझे एग्जांपल लेने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं 6 cos cube x। अब देखो मैंने बोल रखा है जब भी कांस्टेंट टू कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो और फिर अंदर वाले को डेरिवेटिव करते हैं 6 * cos cube x। देखो क्या बात आ गई, अभी इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ इज्जत तरीके, तुम लोग को बताओ इसलिए यहाँ से कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको अच्छे से बताओ कैसे लिखो, ऐसा दिया होना तुम तो इसको ऐसे लिख दिया करो cos x का होल क्यूब। सबसे पहले मैं तो बाहर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, बाहर वाले का डिफरेंशिएट कितना आया 3 इंटू कॉस एक्स कॉस 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखो 3 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर,
ये हो गया बाहर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, cos x का कितना होगा माइनस sin x, तो इसका आंसर कितना, अब इसको वापस से नहीं करना, ये तो हो गया, एक एक बार ही करना है, बाहर वाले ब्रैकेट को एक बार करा कर दिया, अब यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 3 sin x into cos square x, ये इसका आंसर है। अब एक दो क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो, फिर अपन यहां से बोर्ड में इकट्ठा सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी आंसर निकालो तुम लोग, इसको निकाल लो, चलो यहां से तुम इसको निकालो 32 tan square x का तुम लोग डेरिवेटिव निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ 32 tan square x, तुम लोग खुद सॉल्व करो, फिर मैं इसको अपने साथ सॉल्व करता हूं। बोर्ड पे मत देखना, आई होप तुम लोग का हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखो मैंने तुम लोग को बताया कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, मैंने निकाल लिया, अब मुझे करना है tan square x का डेरिवेटिव, tan x का मैं इसको वापस से लिख दो, इसको tan x का होल स्क्वायर, tan x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2 tan x, अब अपन इस ब्रैकेट के और अंदर जाते हैं, अब बात आती है tan x का कितना डेरिवेटिव होगा 6 square x, सबको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तुम लोग को ये ब्रैकेट्स वाली बात अगर नहीं आ रही हो समझ में, वैसे तो आ गई होगी ना समझ में, तुम लोग को नहीं आई हो तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में देना। अब अपन करते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, मैं जाता हूं साइन ऑफ कॉस एक्स, अब देखो मैंने ब्रैकेट्स वाली क्यों बात याद रखी, तुम इसको साइन ऑफ कॉस एक्स में समझो, तुम इसको समझो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एफ ऑफ एक्स, क्या मैं इसको बोल सकता हूं साइन एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा कॉस एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, अब इन टू अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, मतलब मैंने यहां से क्यों बोला बाहर वाले ब्रैकेट को फिर अंदर वाले को, सिमिलरली अगर मैं यहां से ब्रैकेट जोड़ भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अगर मैं यहां से तुम लोग को बोल दूं कि sin of cos of tan of sec x, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, सबसे पहले बाहर वाले ब्रैकेट को, इसको तुम पूरा मान लो f of x, तो कितना बन जाएगा sin f of x का cos f of x, ये तुमने लिख दिया cos of tan of sec x, ठीक है, अब अंदर वाले को डेरिवेटिव, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव cos f of x को क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो ऐसे cos of माइनस sin of tan of sec x, अब एक ब्रैकेट और अंदर tan f of x का डेरिवेटिव तो क्या होगा sec square x, तो cos माइनस sin tan का कितना होगा sec square into sec x, अब sec x का डेरिवेटिव sec x का कितना होगा sec x tan x, तो इसको मैं यहां से लिख देता हूं यहां पे, तो ये वाली बात होती है यहां से cos of minus sin sec square into sec x tan x sec x tan x, क्या ये वाली बात समझ में आई यहां से, तो बेसिकली अपन को सबसे पहले बाहर का ब्रैकेट कवर करना है, फिर अंदर का, फिर अंदर का, फिर अंदर का, क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है, तो यार इस वाले चेन रूल, ये बेसिकली अपन के रूल्स हैं यहां से, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन और अपन बिल्कुल क्वेश्चंस बहुत भर भर के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, और से और क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, ये वाली क्या तुम लोगों को बात समझ में आ रही है, अपन अगले वीडियो में और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, तो अपन की तीसरी वीडियो यहीं पे एंड होती है, सारे तुम लोग लेक्चर्स लाइन से देखते जाओ, मैं गारंटी और साथ में लिखते जाओ, मैं गारंटी करता हूं तुम लोग के से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, अगर तुम लोग को लाइक अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में, और मैं अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली काफी मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो के लिए, और अगर कोई भी डाउट होता तो इंस्टाग्राम तो तुम लोग पूछ ही सकते हो, नीचे उसका लिंक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी फैला दो, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।